हाय गाइस, वेलकम बैक। क्या होने वाला है इस स्पोकन इंग्लिश वीडियो में? आप सबको पता है, 2-3 सेंटेंसेस मैं बताऊंगी न्यू और एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग बनाएंगे, और फिर अगले दिन जो है मैं आपको बताती हूँ कि किस किस ने वो वाले सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में लिखे इंग्लिश में, और उसकी इंग्लिश भी बताती हूँ, ताकि अगर आपने कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा फिर भी आपको उन सेंटेंसेस की इंग्लिश पता चल जाए। कल का सेंटेंस जिसकी इंग्लिश आपने बनानी थी, वो सेंटेंस था उसका पेट दर्द हो रहा है। उसका पेट दर्द हो रहा है वो बॉय के लिए भी यूज हो सकता है, गर्ल के लिए भी। बॉय के लिए होगा ही हैज स्टमक एक, या फिर हिज स्टमक इज एकिंग, ठीक है। और अगर गर्ल के लिए बोलना है तो होगा शी हैज स्टमक एक, या फिर हर स्टमक इज एकिंग। आई होप आपको समझ में आ गया। जिन लोगों ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा है उनके नाम है प्राची वर्मा एंड फरा इकबाल। वेरी गुड प्राची वर्मा एंड फरा इकबाल, आप लोग कंटिन्यूअसली कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो, हिम्मत कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। आप सब जो कर रहे हो ना ये सब चीजें, तो आपकी स्पोकन इंग्लिश आज नहीं तो कल अच्छी होने ही वाली है। आपके जो छोटे छोटे एफर्ट्स रोज के किए हुए हैं ना, वो एक बड़ा रिजल्ट देने ही वाले हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो हो गया जब आपके मुंह से अपने आप इंग्लिश निकलेगी। क्यों? क्योंकि आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज सेंटेंसेस बना रहे हो, जो मैं सेंटेंसेस बताती हूँ वो सब नोटबुक में नोट कर रहे हो, और रोज 5-15 मिनट्स तक मिनिमम आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब वो वाले सेंटेंसेस जो हो चुके हैं पहले उनको बोलकर देख रहे हो। तो क्या होगा जब हर रोज आप एक ही चीज बोलते हो, तो क्या होता है फिर जब आपको मौका मिलेगा तो वो सेंटेंस आपके मुंह से अपने आप ही निकलेगा, या सेंटेंसेस निकलेंगे, पक्का निकलेंगे, मैं आपके साथ प्रॉमिस करती हूँ। क्योंकि यही एक तरीका है सही कि हम थोड़ा थोड़ा करके सीखें, रोज सीखें, कोई भी जो है उसमें हम बिल्कुल गैप ना आने दें, और उसकी प्रैक्टिस जो है हम रोज करते रहें, ठीक है। तो आज के सेंटेंसेस देख लेते हैं कौन से है। आज का सेंटेंस है मेरा पेट खराब है। कल मैंने आपको बताया था कि मेरे पेट में दर्द है, बट जरूरी नहीं है ना कि पेट में दर्द हो कि मेरी पेट खराब। अगर आप घर में कुछ समोसे आए हैं या कुछ भी ऐसी चीज आई है तली हुई, आप नहीं खाना चाहते क्योंकि आपको लग रहा है कि पेट ना थोड़ा खराब है, तो कोई पूछता ना कि क्यों नहीं खा रहे आप क्यों नहीं खा रहे हैं, तो आप बोलते मेरा पेट थोड़ा खराब है, मेरा पेट ना थोड़ा खराब है। तो उसके लिए इंग्लिश में कैसे बोलना है? उसके लिए इंग्लिश में बोलना है आई हैव एन अपसेट स्टमक, आई हैव एन अपसेट स्टमक। अब यहाँ पर एन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर यू है, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर अपसेट कौन से साउंड है? अ साउंड, अ इज ए वोवल साउंड। मैंने आई थिंक अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई हुई है वोवल साउंड्स की, बट चेक करूंगी, अगर नहीं बनी हुई तो मैं कुछ ही दिनों में डाल दूंगी कि हमें एन किस तरह से लगाना चाहिए। ये नहीं है कि जहां पर देखा ए ई आई ओ यू लगा हुआ है तो वहां उसके आगे एन लगा दिया, वो बिल्कुल गलत होता है। हमें देखना होता है वोवल साउंड्स को। तो यहाँ हम यू है इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि अ वोवल साउंड आ रही है, इसलिए लगा रहे। अ एक वोवल साउंड है। वोवल साउंड्स के बारे में अगर अभी बताने लग पड़ी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और जो हम आज ये करना चाहते हैं फिर वो जो है ना नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना अपसेट के साथ एन, आई हैव एन अपसेट स्टमक, या फिर बहुत ही सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो माई स्टमक इज अपसेट। क्या हुआ? समोसे नहीं खाने? नो, माई स्टमक इज अपसेट। कितना ईजी है ना बोलना मेरा पेट खराब है, माई स्टमक इज अपसेट, कितना ईजी है। 10 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप बोल पाओगे, ठीक है। और ये वाला, क्या तुम्हारा पेट खराब है? अब मैं क्या करा, मैंने सोचा एक आपको क्वेश्चन के बारे में भी बता देती हूँ ऐसे सेंटेंस को लेकर। जैसे कि कई बार होता है कि आपको देखता है कोई कि बार बार वॉशरूम जा रहे हो या कुछ भी, क्या हुआ पेट खराब है तुम्हारा, क्या हुआ आपका पेट खराब है, ऐसे पूछते हैं ना हम। तो उसको इंग्लिश में कैसे पूछना है, उसको बोलना है डू यू हैव एन अपसेट स्टमक, क्या तुम्हारा पेट कुछ गड़बड़ है, पेट खराब है क्या, या फिर सिंपल इज योर स्टमक अपसेट। Is your stomach upset? कितना इजी है ना बनाना, कैसे? तुम्हारा पेट खराब है, इसकी क्या होगी? Your stomach is upset. बस इस को आगे ले आओ, इस को आगे ले आओ तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। Your stomach is upset मतलब तुम्हारा स्टमक अपसेट है, इस को आगे ले, इज योर स्टमक अपसेट, क्या तुम्हारा स्टमक अपसेट है। तो कितना इजी है ना, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, पर वैसे मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आप ये भी आराम से कर पाओगे। डू यू हैव एन अपसेट स्टमक, इज योर स्टमक अपसेट, ठीक है। तो इजी है ना, और क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है जब लिखना है, और वैसे तो ये बोलने में ही आएगा सेंटेंस, ठीक है। तो आपके फेस पे एक्सप्रेशन होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे पूछते हो पेट खराब है क्या तुम्हारा, ठीक है, इज योर स्टमक अपसेट, डू यू हैव एन अपसेट स्टमक,
फाइन, ठीक है। अब जो सेंटेंस आपने बनाना है इंग्लिश में वो है क्या, मैं आपको थोड़ा गाइड भी करूंगी, क्या उसका पेट खराब है, क्या उसका पेट खराब है। अब उसका क्या है, गर्ल के लिए भी यूज हो सकता है, बॉय के लिए भी यूज हो सकता है ना। तो अगर आपने इस तरह से बनाना है कि डू यू हैव एन अपसेट स्टमक, तो ये बता दूं ई के साथ डज आएगा यहाँ पर। क्यों आएगा वो आपको जब ग्रामर की थोड़ी थोड़ी वीडियोस में बनाऊंगी ना उसमें आपको बताऊंगी। तो डज यू, सॉरी डज के साथ तो यू नहीं लगता है, लेकिन जब आप ही या शी जो लगाओगे तो उसके साथ डज लगेगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी वही सेम आएगा, बट उसका या फिर गर्ल के लिए लगाओ या फिर बॉय के लिए लगाओ, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें तो आप कर ही लोगे, जैसे इज योर स्टमक अपसेट, अगर इस तरह का आप बनाओगे ना, क्या उसका पेट खराब है, तो आपको बहुत इजीली बना लोगे आप, तो इतनी कोई दिक्कत, इतनी क्या कोई दिक्कत आएगी नहीं। बस थोड़ा कंसेंट्रेट करना, जो मैंने आपको बताया उसको अच्छे से सुनना, सोचना। इतने सारे सेंटेंसेस तो हम कर चुके हैं, फोर्थ जनवरी से हमने स्टार्ट किया हुआ है इस तरह से कि एक एक दो दो सेंटेंसेस मैं आपको कराती हूँ और एक आप बनाते हैं। स्टार्टिंग में तो मैं एक ही बताती थी, एक आप बनाते थे, ताकि ज्यादा काम मैं नहीं चाहती थी कि आपके पास हो जाए, बट अब आपको आदत पड़ गई है। वैसे तो स्पोकन इंग्लिश की बहुत सारी वीडियोज है मेरे चैनल पर, बट इस तरह की वीडियोज जो है हमने फोर्थ जनवरी से स्टार्ट करी है, और उसके बाद सिर्फ एक दिन मिस किया, कोई भी दिन मिस किया नहीं है, कोई सैटरडे संडे की कोई छुट्टी नहीं लिया हमने, छुट्टी की कर दी हमने छुट्टी, और हर रोज जो है हम थोड़ा थोड़ा करते हैं ताकि एक दिन ज्यादा बन जाए। अब तो काफी ज्यादा बन भी गया है, फोर्थ जनवरी से स्टार्ट किया और आज है 28th of March, तो देखो कितने दिन हो गए हैं। अब कर रहे हो ना प्रैक्टिस, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट वो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर जरूर बताना। अच्छा लगा आज का वीडियो तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना, शेयर भी कर लेना उन लोगों के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं आपके आसपास इस दुनिया में जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता शुरुआत कहाँ से करें, बड़ा बड़ा देखकर ना वो डर जाते हैं, तो छोटी छोटी शुरुआत करेंगे और फिर एक दिन बड़ा जो है एंड जो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और सब्सक्राइब तो आई होप आपने मेरे चैनल को कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव हो और साथ में उस आपका जो है कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हो, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड, कल फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स।